प्रिय मित्रों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर प्रार्थनाओं का आदर करता है। यहां तक कि अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा। इससे पहले कि मनुष्य बनाया जाए, ये प्रकृति, ये संसार और जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं मनुष्य के लिए बनाया गया। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है और हमारी आवश्यकताओं को जानता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम उससे प्रार्थना करें और मांगे। मेरी प्रार्थना सभाओं के दौरान कई बार लोग आते हैं कि कहते हैं, आचार्य जी, पास्टर जी, हम बहुत बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। ऐसी कौन सी वजहें हो सकती हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता? हम लूका उसके 9:54 में देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि स्वर्ग से आग गिराकर इन विरोधियों को नाश कर दो, लेकिन प्रभु यीशु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। दुष्टात्मा से ग्रस्त एक व्यक्ति जब ठीक हो जाता है, लूका 8 के अनुसार उसने यीशु मसीह से कहा कि मुझे अपने साथ रहने दे, लेकिन यीशु ने कहा, तू अपने घर जा और अपने लोगों को दिखा कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। केन और हाबिल के जीवन में भी हम देखते हैं ये दोनों ही व्यक्ति, दोनों सगे भाई परमेश्वर से उपहार देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए आए, लेकिन परमेश्वर ने केन की प्रार्थना को, उपहार को रिजेक्ट कर दिया। मेरे प्रियो, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, जो मुख्य कारण हम देखते हैं, हमारे जीवन का अपवित्र होना। हमारे जीवन में कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को प्रिय नहीं है। ठीक इसी तरह अगर छोटा सा भी पाप, अहंकार, झूठ बोलने की आत्मा, स्वार्थ की आत्मा, गाली देने की आत्मा, बुराई करने की आत्मा, अनाज्ञाकारिता की आत्मा या दोष लगाने की आत्मा इत्यादि हमारे जीवन में है, हम परमेश्वर से कैसे प्रार्थनाओं का उत्तर पा सकते हैं? मेरे प्रियो, हो सकता है कि परमेश्वर सबसे पहले आपके जीवन में एक पश्चाताप को देखना चाहता हो, इससे पहले कि वो आपकी आवश्यकताओं को या आपकी इच्छाओं को पूरा करे। यह संभव है कि परमेश्वर का समय वो ना हो। मार्था और मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, उन्होंने कहा कि हमारा भाई लाजर बीमार है, चलकर उसे चंगा करें। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह 4th दिन वहां पर पहुंचे। यीशु मसीह उसी दिन भी जा सकते थे, लेकिन 4th दिन पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह इस बात को साबित करते हैं कि उसका समय कुछ और है। सबोपदिश्य की पुस्तक बताती है कि सब बातों का समय है। यीशु मसीह वहां जाते हैं और उस मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। ठीक इसी तरह हमारे जीवन की कई आवश्यकताएं, संभव है कि वो सही समय ना हो, या हमारे जीवन में पश्चाताप ना हो, या हमारी प्रार्थना में विश्वास ना हो, या हमारी प्रार्थनाओं में संतुलन ना हो, या हमारे जीवन में कोई ऐसी बात हो जो परमेश्वर को अप्रिय हो, या हमारे विश्वास में कमी। मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ उत्साहित करना चाहता हूं कि आज भी परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है, आज भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। लेकिन आवश्यकता है हमें इस बात को समझने और परखने की कि क्या जो बातें हम परमेश्वर से कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है, उसमें क्या वास्तव में परमेश्वर की इच्छा है। हम देखते हैं सुलेमान के जीवन में, सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, उसने बल नहीं मांगा, उसने पैसा नहीं मांगा, उसने कहा, प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं, तेरे लोगों की सहायता कर सकूं। ठीक इसी तरह आप जो चीजें परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्या उसमें परमेश्वर के राज्य की कोई उन्नति है, समाज की कोई भलाई है, क्या आपकी कलीसिया की कोई भलाई है, या केवल वो चीजें आपके स्वार्थ और आपके व्यक्तिगत लाभ की है? मेरे प्रियो, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर भला है और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में आपको बुलाया है ताकि आप उस पर विश्वास करें, प्रार्थना करें और आपका आनंद पूरा हो जाए। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन स्मरण रखें कि क्या जो हम मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, क्या जो हम मांग रहे हैं वो परमेश्वर का सही समय है, क्या जो हम मांग रहे हैं उसमें परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के लोगों की कोई भलाई छिपी है। मेरे प्रियो, प्रभु आपकी सहायता करें, आप मांगे ताकि आपको दिया जाए, और आप इसलिए मांगे ताकि परमेश्वर का राज और परमेश्वर के लोग आशीषित हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।